बड़वानी, बाबा बागेश्वर धाम सरकार का धार्मिक कार्यक्रम बड़वानी पीजी कॉलेज ग्राउंड पर होगा आयोजित। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल जी ने आज 18 जून रविवार को दोपहर 3 बजे अपने निवास स्थान साई नाथ बी कॉलोनी अंजरनाका बड़वानी पर 23 तारीख शुक्रवार एवं 24 जून शनिवार को बड़वानी शहर में पूज्य बाबा बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी के आगमन के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है, जिसमें समस्त 23 तारीख शुक्रवार को हेलीकॉप्टर से बड़वानी बाबा बागेश्वर धाम का आगमन होगा, जहां पर स्वागत रैली निकालकर कॉलेज ग्राउंड पर उनका शाम 7 बजे से धार्मिक प्रवचन आयोजित किया जाएगा। यूनिट इंडिया न्यूज के लिए बड़वानी से संजय बामनिया की रिपोर्ट। देखो, रात को भी हमारी बैठक हुई, बैठक में हर व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपी गई है और भी हम लोग सबका सहयोग ले रहे। बागेश्वर धाम 23 तारीख को 10 बजे के बाद वहां से निकलेंगे और बड़वानी डायरेक्ट आएंगे और बड़वानी हेलीपैड से और वहां से फिर रैली बनाकर बड़वानी ये हमारे मकान पे आएंगे और रुकेंगे और शाम को 6 बजे काले ग्राउंड में उनका कार्यक्रम होगा, सभी जनता को आशीर्वाद देंगे। और दूसरे रोज मतलब 24 तारीख को 11 बजे यहाँ से रवाना होंगे और धाम पर जाएंगे, ये आश्वासन उनका मिला है। धन्यवाद देता हूँ बागेश्वर धाम सरकार को, क्योंकि मेरी उनसे जब भी बात हुई तो मुझे कहते थे कि मैं आपको बड़वानी आऊंगा, तो बड़वानी आने वाले हैं और बड़वानी आने वाले हैं तो बड़वानी की जनता में बड़ा हर्ष है। कह रहे हैं मुझे कि कॉलेज छोटा पड़ जाएगा, पर मैं कहना चाहता हूँ भगवान चाहेगा कॉलेज में ही बढ़िया कार्यक्रम होगा, क्योंकि उनको देखते ही बने ऐसा लगने लगता है। और मेरा निवेदन भी करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार के जो दर्शन हो जाए, भीड़ नहीं लगाए तो बहुत अच्छा रहे, क्योंकि सबको मौका मिलना चाहिए और सब उनका आनंद ले, इसलिए ये कार्यक्रम मैं बाबा का रखा गया है। देखो, हम कल मुझे भोपाल जाना है और भोपाल से आकर मैं सभी कर्मचारियों को हम लोग बैठक बुलाएंगे, बैठक में पूरी व्यवस्था की जाएगी। जिस प्रकार की जो भीड़ है, भीड़ को भी अपन लोग सब मिलकर हमने बजरंग दल को भी ऐसी कमेटियां भी बनाई है, तो जो कमेटियां है सब अपना अपना गाड़ी जो आएगी, गाड़ी के पार्किंग भी और भी जिस प्रकार से सुझाव आएगा, तो अपन सबको मिलकर करना है ये काम सबका है। कोई वाहन सुविधा भी भक्तजनों को ले रहेगी आसपास ग्रामीण क्षेत्र में जो आने वाले भक्तजनों? देखो, भक्तजनों को पीने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो ऑटोमेटिक आते हैं। आप देखोगे नहीं तो आप भी कहोगे कि क्या चीज है।